राम 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 राम। यदि हम बागेश्वर धाम सरकार की ये आवाज़ सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि उन्हें असली ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। जब वो इतने तेज साउंड में बोलते हैं, दरबार लगाते हैं जब, तो हम लोगों को लगता है कि उनके अंदर ईश्वर की आवाज़ उन्हें प्राप्त हो चुकी है, जिसका हमें एक अलग आनंद मिलता है, एक अलग आभास होता है। का दिव्य दरबार है नागपुर में जो चल रहा है, सेकंड डे, वह दिव्य दरबार है। ये पूछने आए हैं किस कारण से बैठ हो रहे हैं उन्नति की। ओम श्री हनुमान। यही है चर्चा में हमने देखा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कम से कम 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है। नागपुर और मुंबई सिटी, बांद्रा अंधेरी तक के लोग यहाँ पर इस दिव्य दरबार को देखने के लिए आए। गुरुजी का गोरापन और उनकी एक चमक देखने के लिए लोग आए और आनंदित हो गए, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से वास्तव में इम्प्रेस हुए लोग यहाँ पर इस दिव्य दरबार का आनंद, वो चकित हो गए लोग कि कैसे कोई बिना पूछे, बिना दिमाग में लाए, कैसे कोई भविष्य बता सकता है, फ्यूचर बता सकता है। रियल अनिल ट्रैवलिंग के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों की भीड़ लग चुकी है, सामने इतनी सारी मोटरसाइकिल खड़ी है, इतना सारा क्राउड हो गया है। बच्चे को उन्नति होती प्रेरणा मिली का जिंदगी के दौरा पढ़ते हैं, रोग बना बीमार है, वह पैरों में भी एकदम बनी हुई है। पंडाल में, नागपुर के पंडाल में बिल्कुल जगह नहीं थी, इसलिए स्त्रियों को भी पीछे बैठना पड़ा और जेंट्स को बिल्कुल साइड में कर दिया गया, स्त्रियों को पीछे बैठना पड़ा। बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। नागपुर में भी अन्य बागेश्वर धाम दरबार की तरह ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी, और लोगों की इतनी भीड़ को समाहित मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। अन्य दरबारों की तरह ही बागेश्वर धाम के इस दिव्य दरबार सेकेंड डे में भी उतनी ही भीड़ लग गई थी जितनी अन्य दरबारों में लगती है। 10 लाख लोग फिर आ गए और काफ़ी लोगों की अर्जी लगी। 11-11 पर्चे गुरुजी ने एक साथ बनाए, 4-4 पर्चे बनाए। को भी गुरुजी ने बुलाया। बागेश्वर धाम ऐसा चमत्कारी दरबार है, और बागेश्वर मंदिर तो उससे भी कई ज़्यादा अद्भुत चमत्कारी मंदिर है। आप एक बार बागेश्वर बालाजी के दर्शन जरूर करें और वहाँ का आनंद लें, और एक बार आप पेशी जरूर करें बागेश्वर धाम में जाकर, और दिव्य दरबार में आते रहे और यहाँ का आनंद जरूर लें। गुरुजी की एक झलक ही आपका दृश्य, आपके कार्य पलट सकती है और उन्हें एक्टिव पोजीशन में ला सकती है। आपके बिगड़े हुए कार्य गुरुजी एक झटके में अपने दर्शन मात्र से ठीक कर देते हैं। लगाई जाए। राम
राम इधर पीछे वाले पीछे और जोर से चमीचा मारो और चमीचा मारो।